नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों बाज़ार क्लोज होने वाली है, हम बात करेंगे लेवल्स के ऊपर और ट्रेड से रिलेटेड इस लेवल की अहमियत क्या है। आप आई होप कल वाली वीडियो देखोगे, मैं बात करूंगा इस पर। पहले एक बात करते हैं PVR और एनॉक्स के बारे में, ठीक है। मर्जर हो रहा है इन दोनों कंपनियों का, अनाउंसमेंट हमारे सामने है। CCI का अप्रूवल मिलेगा या नहीं बात करूंगा उस पर भी, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है जानने वाली वो ये है कि आपको 3 शेयर्स ऑफ PVR मिलेंगे अगर आपके पास 10 शेयर्स ऑफ एनॉक्स हैं तो। अब आप एक चीज़ समझिएगा कि इन 3 शेयर्स के लिए आपको पूरी दुनिया बोल देगी कि जा कर के शेयर्स खरीद लो एनॉक्स के, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या सलाह देता वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले कोई सलाह दिया नहीं, तो अभी थोड़ा सा चार्ट आपको दिखाऊंगा। 2000 से स्टॉक 1880 पे आकर के खड़ा है, ऑलमोस्ट 7-8% नीचे। एनॉक्स लेजर ऑलमोस्ट 8-9% नीचे, ठीक है, 8-9% नीचे। ये स्टॉक टॉप के लेवल से ट्रेड कर रहा है, 20% ऊपर खुला था। यानी कि न्यूज पे जैसे कि मोहल्ले में लल्ला होता है तो पूरे गाँव में हल्ला हो जाता है, पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाता है, बस वही हाल हुआ कि बस लल्ला हुआ है। अभी लल्ला क्या करेगा आगे जा करके वो हमें नहीं पता, लेकिन बस अब खरीदना है तो खरीदना है और फिर उसके बाद फंस जाइए। और मुझे अफसोस होता है ये जान करके कि कितना भी समझा दो उसके बाद भी जब फंस जाओगे उसके बाद कहानी पूछोगे अब क्या करें, एनॉक्स लिए हैं। तो जो लोग ये सवाल बोल रहे थे ना कि मेरे पास 10 शेयर्स ऑफ एनॉक्स है, मैंने खरीद लिया, अब मुझे 3 शेयर्स ऑफ PVR मिल जाएंगे, तो भाई शेयर्स मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे, रेट नहीं मिलेगा ये कि आपने एनॉक्स जा करके 580 पे, 560 पे, 550 पे खरीद लिया तो उसके एंगल से आपको रेट ला करके दिया जाएगा 10 शेयर्स ऑफ PVR एट 2000। नहीं, लेट से कि PVR जब ये कट ऑफ डेट आए उस वक्त PVR मान लो 1500 पे ट्रेड करता हो तो 3 शेयर्स ऑफ PVR आपको तब मिलेंगे, ठीक है। लेट से कि PVR 1000 पे ट्रेड करता हो, और इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बस मैं वर्स्ट केस सिनेरियो कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आपको मात्र 3000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 3 शेयर्स मिलेंगे आपको, पैसे की बात तो कुछ हुई ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया शेयर का रेशियो, इसको आप दूसरे एंगल से भी समझ सकते हो अगर आप कहोगे मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा। CCI अप्रूवल की बात करूं तो यार पर्सनल लेवल पे मैं ये चाहता हूं कि CCI इसको अप्रूव ना करे। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडिया में देखो एकता में शक्ति है ये हर कोई जानता है, लेकिन कॉम्पिटिशन का भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूँ एनॉक्स और PVR एक हो गए तो एनॉक्स जो कि सस्ते में मूवीज दिखाता है, यहाँ की टिकट 20-25%, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा भी था इसको कहीं, 25% तक 30% तक सस्ती होती हैं जब आप इसको कंपेयर करते हो PVR से। और ये देखो कंपटीशन के लिए ये चीज़ कितनी हेल्दी मानी जाती है, हम और आपके लिए ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जब इनका भी नाम PVR के साथ जुड़ जाएगा नौटंकी चालू कर दो, महंगा जबरदस्ती है कि बीच में सबको खिलाएंगे महंगा वाला पॉपकॉर्न, ठीक है यार, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। जिन लोगों ने शेयर्स ले रखे हैं अगर आप रिक्वेस्ट करोगे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ठीक है। क्लोजिंग होने जा रही है 17230 पे, निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रही है, आखिरी 2-4 मिनट का ट्रेड बचा है। अगर मैं आपको बताऊं तो दो लेवल्स आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 17005 का लेवल, आपको ये लेवल कल बताया गया था, और यहाँ पर 17222 का लेवल, ठीक है। और दोनों ही लेवल्स को देखिए, यहाँ पर पहली बार निफ्टी आती है झटका लगता है ऊपर जाती है, फिर से दोबारा आती है झटका लगता है ऊपर जाती है, रुकती ही नहीं है जब तक अगले, मतलब कि मैं आपको ये लेवल दिखाना चाहूँगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए वीडियो पे। और मैंने बोला है कि इसका सदुपयोग अगर आप करने लगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिल से थैंक यू निकलेगा, और वो थैंक यू मेरे लिए नहीं होगा, वो थैंक यू उन लोगों के लिए होगा जो लगातार आपके लिए मेहनत करते हैं इन लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए, मेरे साथ बैकएंड में काम करते हैं। और सच में मैं बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील करता हूँ, मेरे पास ऐसी एक टीम है जिनकी संख्या सैकड़ों में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कमाल का काम करते हैं, और आप ही में से वो लोग मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैं कोई परिवारवादी बंदा नहीं हूँ कि मैं परिवार से लोगों को भर लूँगा उसमें, ठीक है, जिसके पास काबिलियत होगी उसी को मौका मिलता है, और उन लोगों की बदौलत ये पॉसिबल हो पाता है कि एग्जैक्टली और मैं फिर से कह रहा हूँ ये रोज़ नहीं पॉसिबल है, एग्जैक्टली हम लेवल बता देते हैं आपको कि यहाँ पर आपको खरीदना है, यहाँ पर आपको बेचना है, ठीक है, ठीक, ये रोज़ नहीं पॉसिबल होगा, देख लीजिए आप इन लेवल्स को जाकर के चेक कीजिए। ये तो छोड़िए बैंक निफ्टी को भी जाकर के देख लीजिए कहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस आई है, बैंक निफ्टी का भी आपको मैं चार्ट दिखाना चाहूँगा। देखिए 35018 का लेवल था, देख लीजिए 35018 यहीं पर, ये लेवल्स आपको बताए जाते हैं। अब अच्छी बात क्या है यहाँ पर मेरे लिए कि निफ्टेडर सेटअप पे खूब सारी रिक्वेस्ट आ जाएंगी, कम से कम जब भी ऐसा कोई दिन बीतेगा 20-22-25 रिक्वेस्ट, और अनफॉर्चुनेटली हम फुलफिल नहीं कर सकते सबकी डिमांड, यही होती है कहानी स्टॉक मार्केट की। यहाँ पर आप जादू दिखाओ तो लोग फैन बन जाएंगे आपके,
और वही कहानी आपके लिए कभी भी फेवर नहीं कर सकती। प्लीज़ यार, इसको थोड़ा सा समझा करो। जादू देखकर किसी के फ़ैन मत बनो, जादू के पीछे की मेहनत को देखा करो, और वो मेहनत अगर आप कर सकते हो तो आप सिचुएशन कंट्रोल कर पाओगे, नहीं तो फिर वही हो हल्ला हो जाएगा कि दूसरे के जादू को देख करके। कल मैंने एक न्यूज़ भी शेयर की थी, तो आप ऐसे ही फंसोगे। चलिए ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। 3 मिनट और 10 मिनट की कैंडल पे कमाल का ट्रेड मिला। ऑफकोर्स सी बात है, मिलना ही था। आज बाज़ार ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाई है, और ऐसी बाज़ार में आपके पास कोई बहाना होना नहीं चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास इतनी कहानी देख करके इतना प्रेडिक्ट करने का पूरा मौका होता है। सेटअप आपको बाई बोल रहा है, ठीक है, बाज़ार भी अपने लेवल्स को तोड़ रही है, तो आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं करोगे? मैं पुट बाइंग की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कह दो बाई साइड का ट्रेड थोड़ी बता रही थी बाज़ार। जी हाँ, बाज़ार सेल साइड का ट्रेड दे रही थी, जहाँ पर आपको बाइंग क्या करनी थी, पुट बाइंग करनी थी, समझ रहे हैं। बेचनी कहाँ पर थी, आप देख लीजिए लेवल एग्जैक्टली, देखिएगा 17,000 का लेवल एग्जैक्टली देखिएगा, वही लेवल वहीं पर बेचनी थी ना, कुछ और तो कहानी थी नहीं। और बहुत आसान ट्रेड था यार, आप 125 रुपये पर अगर खरीदे हो तो 50 की लॉट साइज है, कितना पैसा आपका, 7,000-8,000 भी नहीं लग रहा है। मैं 25,000 रखने के लिए बोलता हूँ, और अभी महीने का अंत चल रहा है, ये मार्जिन कंपेरेटिवली पिछले मंथ अभी भी मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि 8,000 लगा करके आपको 7-800 मिल जा रहा है, 10% का रिटर्न होता है पूरे साल भर में। आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो जहाँ पर आपके पास रिस्क नहीं होता है, यहाँ पर आप रिस्क ले रहे हो, उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। मैं कहता हूँ हफ्ते में केवल एक दिन ऐसा चाहिए, महीने में 2-3 दिन ऐसा चाहिए, बस। मैंने क्या कहा, हफ्ते में बस एक दिन, महीने में 2-3 दिन ऐसा चाहिए, क्या आप उसके लिए तैयार हो? नहीं तैयार हो तो कोई सेंस नहीं बनता यार, कुछ और करो, बाज़ार से बाहर हो जाओ। और वही कहानी 10 मिनट पर भी थी, मैंने हमेशा बोला है कि थोड़ी सी कहानी को समझ करके आपको इतनी कहानी के बारे में सोचना होगा, और ये जिस दिन भी होगा आपका बड़ा पैसा बनना चाहिए, दैट्स इट। मैं उसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। PVR अनॉक्स पे मैं वीडियो बनाऊँगा अब एक सवाल, और ऐसे ही करके मैं आपको 5 सवाल दूंगा, इन 5ों के जवाब आपसे पूछे जाएंगे कहाँ पर, इंटरव्यू में जो हमने पोस्ट दी थी वहाँ पर। सवाल ये है कि PVR का फुल फॉर्म, इसको मैं बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म है प्रिया विलेज रोड शो, ठीक है। आप में से कितने लोगों को ये पता था PVR का फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। अगले 4 सवाल आपको मिलेंगे अगली 10-12 वीडियोज़ के अंदर, मैं जहाँ पर भी मन करेगा वहाँ पर डालूंगा, और ये सारे सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और बिना इसके जवाब के आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, थोड़ी सी जल्दी में हूँ, कहीं बाहर निकलना है, लेकिन आपसे मैं मिलूंगा रात वाली वीडियो में, जहाँ पर इन लेवल्स की अहमियत को और अच्छे से समझाऊंगा, वहाँ पर और डिस्कशन करूंगा। बाज़ार हमारे लेवल्स के आसपास ही लगभग क्लोज की है, और ये अक्सर होता है, आपने देखा होगा, आप पिछले 10 दिन की जाकर के क्लोजिंग देखिए, 4-5 दिन बाज़ार हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है वहीं पर आकर के क्लोज करती है, ठीक है, जा करके देखिएगा। और एग्जैक्टली जब भी ऐसा जादू हम करके दिखाते हैं तो आप लोग फैन बन जाते हो यार, ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है, कई बार समझा चुका हूँ। रुचि सोया IPO FPO जो भी आप समझते हो, अप्लाई करना है या नहीं, इससे पहले वाली वीडियो देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग शॉर्ट टर्म में रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए क्या है अपॉर्चुनिटी, वो जा करके देखिएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप तो अप्लाई कर देते हो फिर बाद में नहीं बताते, तो मैं क्यों बताऊंगा यार, मैंने आपको बता दिया मैं 3 से 5 साल के लिए अप्लाई करूंगा, तो आप क्यों परेशान करोगे, मुझे मत परेशान करना। मैंने आपको बता दिया मैं नीचे और लॉट्स ऐड करूंगा, तो आप क्यों मुझे परेशान करोगे, मैं जब मेरा रेट आएगा मैं उसको ऐड करूंगा अकॉर्डिंगली। आपको अरेंज करना चाहिए, और इतनी डिपेंडेंसी अच्छी नहीं होती कहीं पर भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।